नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज और मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं समय की बड़ी खबरों की। सीहोर की गज केसरी कॉलोनी फिर विवादों में। सड़क के बाद विद्युत कनेक्शन भी नहीं मिल रहा है कॉलोनी को, प्लाट लेने वाले हो जाएं सावधान। सीहोर नगर के इंदौर नाका स्थित गज केसरी कॉलोनी पर सड़क निर्माण पर कोर्ट के स्टे के बाद अब विद्युत कनेक्शन पर भी रोक लगा दी है। असल में गज केसरी कॉलोनी के द्वारा जो कॉलोनी में जाने के लिए मुख्य सड़क बताई जा रही है, असल में वह सड़क गज केसरी कॉलोनी की है ही नहीं। दरअसल वह सड़क मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने कोर्ट से स्टे भी ले रखा है, जिसके पश्चात कॉलोनी का रोड निर्माण कार्य बंद है। वहीं अब हम बात करें विद्युत कनेक्शन की, तो उस पर भी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने रोक लगा दी है। असल में गज केसरी कॉलोनी के द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में आवेदन किया गया है, लेकिन जब विभाग के द्वारा संबंधित अनुमतियों की जाँच की गई तो पता चला कि TNCP विभाग के द्वारा ली गई अनुमतियों में कमी है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने अभी विद्युत कनेक्शन देने पर रोक लगा दी है। अब देखना यह होगा कि गज केसरी कॉलोनी को विद्युत कनेक्शन कब तक मिल पाएगा। वहीं बात करें हम सड़क की, तो सड़क निर्माण पर तो कोर्ट का स्टे है ही। ऐसे स्थिति में यदि कोई व्यक्ति कॉलोनी में अपने मेहनती कमाई लगाता है तो यह देखना होगा कि गज केसरी कॉलोनी को लेकर एक जानकारी आई है, जिसमें उन्होंने विद्युत कनेक्शन के लिए आपके यहाँ आवेदन किया था, क्या स्थिति है उसकी? गज केसरी कॉलोनी के लिए उन्होंने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। उनके पास जो TNCP की अनुमति है वो वैधानिक पेपरों पर नहीं पाई गई है। उन्होंने जो रास्ता बताया है वो रास्ता MPB की प्रॉपर्टी है, उस पर माननीय हाईकोर्ट का एवं माननीय DJ कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया है, जिस कारण से वो रास्ता उन्होंने गलत दिखाया है। वो तहसीलदार का एक ऑर्डर था, उसको रास्ता के लिए दिखाया गया था, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोगों ने स्टे लिया है। इस कारण से अभी हाल फिलहाल उस फाइल को यथास्थिति में रोक दिया गया है एवं TNCP को हम पत्र लिख रहे हैं कि उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, वो अनुमति को निरस्त किया जाए। सर, उनका यह कहना है कि राजस्व विभाग ने वो रास्ता वैधानिक बताया है और वो राजस्व के रिकॉर्ड में है, और MPP का जो कार्यालय बना है ये रास्ते पर बना हुआ है। उनका ये कहना सत्य नहीं है, इसीलिए हम हाईकोर्ट में गए और माननीय हाईकोर्ट से और DJ कोर्ट से हमको स्टे मिला है। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आने वाली बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।